एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज आप ये मटेरियल देख के समझ ही गए होंगे, इंग्रेडिएंट्स देख के समझ गए होंगे कि हम ब्रेड पिज्ज़ा बनाने जा रहे हैं। जो बच्चे हैं बहुत शौक से खाते हैं, तो आप घर में ही इस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ये ब्रेड। हमने आटा ब्रेड यूज़ की है, थोड़ी सी सब्जियाँ हैं, येलो बेल पेपर है, कैप्सिकम है, रेड बेल पेपर है, टोमेटो भी आप इसकी जगह ले सकते हैं, ऑलिव्स हैं ग्रीन, और ये कॉर्न है, चीज है, ग्रेटेड चीज, मोजरेला, हम जो भी यूज करेंगे आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये ब्रेड्स के ना आप साइज भी कट कर सकते हैं, बट मैं घर में ही ये कर रही हूँ। तो एक साइड हम इसमें घी लगाएंगे चारों तरफ से, ताकि वो नीचे से ना अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, और इसको गर्म तवे पे रख देंगे। ऐसे ही हम दो एक बार में बना रहे हैं, देख रहे हैं। तो ब्रेड का नीचे की तरफ घी, बटर, जो भी आप लगाना चाहें वो लगा दीजिए। इससे जो ब्रेड है ना वो नीचे से अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसके साथ इसको असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर ये सॉस डालेंगे, पिज्जा सॉस। ये देखिए, हमने अच्छे से इसको चारों तरफ लगा दिया है पिज्जा सॉस को। थोड़ी जो तवे पर गिर गई थी हमने उसको साफ कर लिया है। अब हम इसमें ना चीज डालेंगे, ये प्रोसेस चीज है, मैंने ग्रेट कर लिया है, क्योंकि अगर आप तवे पे डायरेक्ट ग्रेट करेंगे तो नीचे गिरेगा, और एक दो पीस गिरेगा तो आप फिर उसको उठा के ऊपर रख दें या तवा साफ कर लें। तो ये अच्छे से आप चीज ग्रेट करके डाल दें। इस तरह से आप इसको फैला दें चीज को। आप ब्रेड पिज्जा के लिए ना स्लाइस भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, और थोड़ा सा, मैं हालांकि इसमें सॉल्ट है थोड़ा सा डाल रही हूं, आप अवॉइड कर सकते हैं। इनको डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें मोजरेला चीज। मोजरेला चीज हमने डाल दिया है काफी अच्छे से, और अब हम इसमें ये प्याज के पीस, शिमला मिर्च के पीस, ऐसे रैंडमली कहीं भी लगा देंगे, बच्चों को अच्छे लगेंगे ये। ऑलिव अगर आपके पास है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप केवल कैप्सिकम से और प्याज से भी काम चला सकते हैं। तो ये इस तरह से देखने में भी सुंदर लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना? तो लग रहा है बढ़िया। देखिए, इस तरह से कभी भी इवनिंग स्नैक के लिए आप बच्चों को तैयार करके दे सकते हैं, और बच्चे ना खुश हो जाएंगे कि हाँ, हमको आज हमारी पसंद का मिला है। ये छोटी छोटी चीजें करके आपको खुशी मिलेगी। मर्जी से आप कम ज्यादा कर सकते हैं सब्जियां, और थोड़ा सा हम कॉर्न डालेंगे इसमें। छोटे छोटे पिज्जा और बहुत धीमी गैस पे। हाँ, मैं आपको यह बताना चाहूंगी, बहुत धीमी गैस पे आपको ये करना है, क्योंकि ब्रेड नहीं तो नीचे से ना जल जाएगी। चीज जो है वो पिघलना शुरू हो गया है, देख रहे हैं ना? और इसमें भी हम ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे, बाकी आप सर्व करते हुए दे सकते हैं। और इसको ना कवर कर देंगे, कवर करके हम पकने देंगे थोड़ी देर। तो आइए चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, चीज मेल्ट होना शुरू हो गया है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ ये पूरा मेल्ट हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, और ब्रेड भी नीचे से क्रिस्पी हो गई है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, प्लेटिंग करते हैं। और ये देखिए, हमारा ये ब्रेड पिज्ज़ा बनकर तैयार है।
लग रहा है ना टेस्टी, बनाकर जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, कैसा बना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।